हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, आल पर प्रेस करें, जिससे हमारी कोई भी अपडेट आपके पास पहुंच रहे। दोस्तों, मैं आप लोग को आज जो है आज इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंडरी अल्टरनेट, ठीक दोस्तों, 201 से लेके 220 तक क्वेश्चन हल कराऊंगा, क्योंकि बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो गया है सेकंड ईयर का। बच्चे बहुत ही लगातार कमेंट करें, सर आगे वीडियो बनाओ। दोस्तों, मैं कह देना चाहता हूं कि हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इंग्लिश दिया है, हिंदी में करते हैं बहुत, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर ज़्यादातर इंग्लिश में बढ़िया होता है, लेकिन बच्चे कमेंट सर हिंदी बनाइए। दोस्तों, तो आप लोग जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इसका PDF तो दोस्तों हमारे पढ़ाता है, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या आप जो है इम्प्लायबिलिटी स्किल, ये सबका जो PDF जाएंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर अबाउट में लिंक दिया गया। दोस्तों, अबाउट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप लोग PDF पक्का डाउनलोड करें। तो दोस्तों, जो मैथ का सवाल है उसमें जो हल किया गया वैसे PDF मिलेगा आपको, मतलब कि क्वेश्चन और आंसर हल किया मिलेगा आपको, जो कोई देता नहीं है यूट्यूब वाला, मैं दे रहा हूँ आपको, मतलब क्वेश्चन साथ उसका हल भी साथ में है, ठीक है। तो आप लोग पक्का इसको जो है PDF पक्का लें, ठीक दोस्तों। बच्चे कमेंट करें, सब बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा जो अपने को अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट कीजिए। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है कि सर मेरा एग्जाम हो गया, इतना क्वेश्चन आया था, नहीं आया था, है ना, तो थोड़ा हमको अच्छा लगता है, ठीक दोस्तों। फिर तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, जब आपका सहपाठी आपके बारे में कोई सुझाव दे रहा है तो प्राप्त कर रहे हैं, तो आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? तो बंदा आपका मित्र कोई है आपका, वो आप बारे में कुछ कह रहा है, तो आप प्राप्त कर रहे हैं क्या? होगा आंसर सही, आंसर होगा सी, प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, पावर पॉइंट फाइलों में डैश एक्सटेंशन होते हैं, क्या बोल रहा है? पावर पॉइंट फाइलों में डैश एक्सटेंशन होते हैं, किसमें होते हैं? आंसर होगा सवाल डी, PPTX में एक्सटेंशन होते हैं, पावर पॉइंट फाइलों में PPTX एक्सटेंशन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 203 क्वेश्चन नंबर, शॉर्टकट कुंजियां Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S का मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? शॉर्ट कुंजियां Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S का मतलब क्या है? तो इसका आगे होगा सी, होगा आंसर क्या होगा? सी, कॉपी पेस्ट सेव, मतलब कॉपी करो, पेस्ट करो, सेव करो, ठीक दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। 204, पावर पॉइंट में ESC दबाने पर हो सकता है, क्या बोल रहा है? पावर पॉइंट में जाएंगे आप तो अगर ESC बटन दबाएंगे तो क्या होगा? इंड स्लाइड शो, आंसर राइट सी, क्या होगा? इंड स्लाइड शो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 205 क्वेश्चन नंबर, एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए चुने, क्या बोल रहा है? एक नई फाइल बनाने के लिए डैश चुने, तो क्या चुनेंगे आप? आंसर राइट डी होगा, Ctrl+N, क्या चुनेंगे? Ctrl+N। आगे बढ़ते हैं। 206 नंबर, जब हम किसी वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम कॉल करते हैं, क्या बोल रहा है? जब हम किसी वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम कॉल करते हैं, किसको करते हैं कॉल? डाटा कन्वर्जन को, किसको? सी आंसर सही होगा, डाटा कन्वर्जन को कॉल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 207, छवियों को सहेजने के लिए सबसे अनुकूल प्रारूप क्या है? है, क्या बोल रहा है? छवियों को सहेजने के लिए सबसे अनुकूल प्रारूप है डैश, क्या है? अब बताइए, जल्दी बताइए, बी आंसर होगा, क्या होगा? बी, JPEG। छवियों को सहेजने के लिए सबसे अच्छा अनुकूल प्रारूप क्या है? JPEG है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल का प्रयोग के लिए क्या आता है, क्या बोल रहा है? जो एक्सेल फाइल का प्रयोग के लिए किया जाता है, आंसर क्या होगा इसका? होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? देखिए, सी, क्रिएट स्प्रेडशीट
विथ वेरियस फंक्शन टू जो 9 नंबर क्वेश्चन, जेपीजी का अर्थ क्या है, क्या बोल रहा है जेपीजी का अर्थ क्या है, अब बताइए। देखिए लिखा है इसमें, क्या लिखा है, जेपीजी का अर्थ है, डैश दिया है, तो आंसर क्या होगा, राइट सी होगा, क्या होगा सी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, क्या होगा आंसर सी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, 210 यस वी जी फाइल का अर्थ क्या है, क्या बोल रहा है यस वी जी फाइल का अर्थ क्या है, अब बताएं, आंसर होगा डी, इसके लेबल वेक्टर ग्राफिक्स। 211 क्वेश्चन नंबर, लाइव सेमिनार और चर्चा में भाग ले सकते हैं जब सक्षम होता है, क्या सक्षम होता है, आप लाइव सेमिनार और चर्चा में भाग ले सकते हैं, कब लेंगे आप, जब किसी होंगे सक्षम होंगे आप, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट हुआ सी, इंटेक्ट में सक्षम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 212, वाईफाई डैश संकेत वायरलेस है, क्या बोल रहा है, वाईफाई डैश संकेत वायरलेस है, किसका संकेत वायरलेस है, आंसर क्या होगा इसका, अब बताइए जल्दी कीजिए, ए होगा, क्या होगा ए, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी संकेत वायरलेस है, क्या है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी संकेत वायरलेस है, तो आंसर आपका होगा आपका ए। 213 क्वेश्चन नंबर, एक वायरलेस प्रौद्योगिकी का मानक है जिसका उपयोग आदान प्रदान के लिए किया जाता है, निश्चित दूरियां और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा संक्षेप में है, कौन सा वो है, कौन सा वायरलेस है बोल रहा हो, कौन सा मानक है, आप बताइए, तो इसका आवाज सी से होगा, ब्लूटूथ है, क्या है, ब्लूटूथ है आंसर इसका सही है। 213 क्या होगा, ब्लूटूथ से है, आप जो है आदान प्रदान दूरियां मोबाइल कोनो बीच डेटा संक्षेप में होगा, तो दोस्तों तो आंसर क्या होगा इसका, सही होगा सी होगा, ब्लूटूथ। आगे बढ़ते हैं, 214, जब हम अपने एंड्रॉइड से फोटो और वीडियो साझा करते हैं, स्मार्टफोन को कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़े पैमाने पर देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्या बोल रहा है, जब हम एंड्रॉइड से फोटो और वीडियो साझा करते हैं, स्मार्टफोन को कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़े पैमाने पर देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीन मिरर इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, स्क्रीन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। 215 डैश एक कंप्यूटर है जो दूसरों को डाटा देता है या प्रदान करता है, क्या बोल रहा है, डैश एक कंप्यूटर है जो दूसरों को डाटा प्रदान करता है, अब बताइए, स्मार्टफोन लैपटॉप मोडम नहीं नो डी सर्वर, आंसर राइट क्या होगा डी सर्वर, एक कंप्यूटर है जो दूसरों को डाटा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, 216 दोस्तों, इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाएं क्या है, बोला इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाएं क्या होती हैं, क्या कहते हैं उसको, बोला ना कि इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाएं हैं क्या है, आंसर देखिए लिखा है, आंकड़े सर्वर ऑनलाइन नो, आंसर से डी होगा, क्या होगा डी, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाएं हैं, तो आंसर डी से होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 217 मेघ के प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः डैश को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, क्या बोल रहा है, मेघ के प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः डैश को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, अब बताइए, इंटरनेट सर्वर आंकड़े मूलपाठ नो, ए आंसर होगा, क्या होगा ए, क्या होगा ए, इंटरनेट को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। 218 क्वेश्चन नंबर, फेसबुक से फोटो और वीडियो पुनर्प्राप्त करने के लिए हमें करने की आवश्यकता है, क्या बोल रहा है, फेसबुक से फोटो और वीडियो पुनर मतलब द्वारा प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, क्या लिखा है,
सर्वर, हार्ड डिस्क, नो, आंसर राइट बी होगा, क्या होगा, इंटरनेट के साथ डिवाइस संबंध, क्या बोल रहा है, इंटरनेट के साथ डिवाइस संबंध की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको फेसबुक से फोटो और वीडियो चाहिए दोबारा, तो आपको आंसर राइट बी होगा, इंटरनेट के साथ डिवाइस मतलब जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 219, फेसबुक जीमेल पर फोटो वीडियो दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या बोला है, फेसबुक जीमेल पर फोटो वीडियो दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, नो, सर्वर, नो, आंसर राइट से होगा, कंप्यूटर या स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन के साथ। दोस्तों आंसर डाट क्या होगा, सी होगा, कंप्यूटर या स्मार्टफोन इंटरनेट मतलब कि कनेक्शन के साथ होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तब आप फेसबुक जीमेल पर फोटो तक पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 220, 220 नंबर। दोस्तों आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों है, आप लोग पक्का कि उम्मीद पसंद है, कमेंट करेंगे आप लोग, सर बढ़िया क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जब जाएंगे ना सर्च करेंगे यूट्यूब पर सैनिक आईटीआई, वहाँ खुलेगा होम वीडियो प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाएंगे प्लेलिस्ट में तो सेकेंड ईयर आल ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सेकेंड ईयर आल ट्रेड वर्कशॉप कंप्यूटर एंड साइंस, फ्यूटर सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर, फ्यूटर फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर, वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर आल ट्रेड, सब दोस्तों वीडियो मिलेगी आप लोग, पढ़ लीजिए बहुत बढ़िया, कम टाइम में बहुत ही 30 क्वेश्चन पढ़ाया गया है दोस्तों। आप लोग क्योंकि बहुत ही सीबीटी में बच्चे फेल हो रहे हैं, तो रिक्वेस्ट विनती हमारी है आप लोग पढ़िए, नहीं तो सब फेल हो जाएंगे, जो साथ वाला है नौकरी पा जाएगा तो घूमते रह जाएंगे, फिर कहेंगे सर आपने बताया था पढ़ा नहीं, तो कष्ट होगा हमको दोस्तों। तो हम लोग जो बनाने में वीडियो में टाइम लगता है पता आप लोग को है, उनको हम लोग हिंदी करते हैं, बनाते हैं, फिर उसको एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, तब लोग तो पढ़िए है ना, हम जो टाइम लग रहा है तो आप लोग को कुछ फायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो विनती आपसी है, और रिक्वेस्ट आपका एक और है कि पीडीएफ पक्का ले, अब ले उसका पीडीएफ है पक्का, जाए टेलीग्राम में वहां से ले लें। ठीक है दोस्तों, और एक और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे देख रहे हैं चैनल को, हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें दोस्तों, विनती है, रिक्वेस्ट है, कुछ कर दिया हूं तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पक्का। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 220, सीरी और एलेक्सा कहता है, क्या बोल रहे हैं, सीरी और एलेक्सा को कहा जाता है, क्या बोल रहा है, सीरी और एलेक्सा को डैश कहा जाता है, क्या आंसर होगा इसका, बी, सीरी और एलेक्सा को स्मार्ट सहायक कहा जाता है, तो आंसर राइट क्या होगा, बी होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही, धन्यवाद।